हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके नॉलेज टॉक। माय नेम इज अमन भारद्वाज। सो फाइनली क्लास 12th की एग्जाम की डेट्स आ गई है। आज की डेट में एचआरडी मिनिस्टर श्रीमान रमेश पोखरियाल जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके एक वीडियो जारी किया है, साथ में उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने बताया कि क्लास 12th का एग्जाम जुलाई के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में लिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, लंबे समय से CBSE की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का इंतजार था। आज इन परीक्षाओं की तिथि 1/7/2020 से 15/7/2020 के बीच में निश्चित कर दी गई है। मैं इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एचआरडी मिनिस्ट्री, PIB इंडिया, DD न्यूज लाइव। देख सकते हैं आप, ये ट्वीट किया है माननीय पोखरियाल जी ने, ठीक है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी डाला है ट्विटर पे, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एविडेंस के लिए, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाएं कि आपका डेफिनेटली जुलाई के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हैं CBSE बोर्ड के, वो कब होंगे, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपको अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो CBSE बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं, और जो मुख्य 12 विषय हैं उन्हीं पर इंटर का लेना है, जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल पूर्वी जिले के जो छूट गए थे, हाई स्कूल के जो 6 पेपर छूटे थे, और जो 12वीं की कुल मिलाकर के पूर्वी जिले दिल्ली के जो प्रस्तुतिवश नहीं हो पाए थे उनके लगभग 23 पेपर थे, तो वो भी ये सारे प्रश्न पत्र विषयों के, मूल विषयों के, ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना निश्चित है। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, और जो बचे हुए पेपर हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सभी पेपर होंगे। कुछ लोगों की ये शंका है कि क्या सभी विषयों के जो पेपर्स हो गए, क्या उन विषयों के भी होंगे? जो पेपर हो चुके हैं उन विषयों के दोबारा पेपर नहीं होंगे, और वैसे तो 83 प्रश्न पत्र हैं, लेकिन जो वैकल्पिक आपके प्रश्न पत्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगे। केवल कुल मिलाकर के 29 प्रश्न पत्र बचे हुए हैं जो मूल विषय के हैं, यही 29 मूल विषयों के प्रश्न पत्र 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे। और आप बहुत अच्छे से मस्ती के साथ पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मेरी शुभकामना है कि आपको जो ये समय मिला है इसको और अच्छे से आप संजोएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ रहेंगे, और अपने परिवार के साथ उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपना समय का भी उपयोग करेंगे और मस्ती के साथ भी रहेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो चुका होगा कि सच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपके 12th के एग्जाम होने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर गेटिंग मोर अपडेट। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग AK नॉलेज टॉक।